नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे घर में बन रही है दोस्तों डिनर में पनीर की भुर्जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से जो है पनीर की भुर्जी बनाती हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 से 3 जो है बारीक कटी प्याज। प्याज को हल्का सा सोते कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो। प्याज अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची। प्याज को जो है दोस्तों यहाँ पे हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक जो हमने पनीर लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। वैसे तो लोग एकदम मतलब कद्दूकस करके या वैसे ही डाल देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलग तरीके से डालूं। प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है पहले से। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ी सी बारीक कटी जो है शिमला मिर्च, और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 बारीक कटे जो है टमाटर। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हल्का सॉफ्ट होने तक जो है पकाएंगे। तो अब मैं अपना पनीर दोबारा से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से जो है छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी इसके। आपको अगर हाथों से मैश करके डालना है तो आप मैश करके भी डाल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको पसंद हो। हाँ ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी यूनिक आपकी रेसिपी बन जाएगी। देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े मैं बना लूंगी सभी पनीर के, एक साथ ही बना लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे मैंने सारे पनीर को कट कर लिया है। तो हम अपने जो हमने टमाटर प्याज शिमला मिर्च उसको भी एक बार चला लेते हैं इस तरह से। तो आइए दोस्तों अब एक एक करके मैं सारे मसाले इधर ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच करीब किचन किंग मसाला MDH का। दोस्तों ये मसाला जो है ना आप जरूर डालना, इससे जो है ना टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, एकदम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। तो मैं तो ये मसाला ज्यादातर सब्जियों में यूज करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। तो एक बार मेरे कहने से पनीर की भुज्जी में ये मसाला जरूर ट्राई करें। तो अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1/2 चम्मच जो है दरदरा कुटा हुआ लहसुन, और दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन वेजिटेबल्स को ढक के रख दूंगी, ताकि जो शिमला मिर्च और टमाटर है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो सके। 2 से 3 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम पानी मैंने इधर डाला है। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए हमारा मसाला काफी अच्छे से जो है भून चुका है, जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब हमने जो पनीर के टुकड़े कट करके रखे थे छोटे छोटे वो इसमें डाल देंगे। अब मिक्स करेंगे।
लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो मसाले है वो पनीर के अंदर अच्छे से रम सके। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ना बढ़िया जो कलर आया है और घी भी एकदम ऊपर आ चुका है। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो पनीर भुजी है ना वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। तो अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया ब्रेड और उस पर लगा लिया है मैंने देसी घी और ब्रेड को जो है मैं सेक लेती हूँ। मुझे दोस्तों पनीर की भुजी के साथ है ना ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड है ना वो तो रोटी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 ब्रेड भी सेक ली थी। तो पलट लेती हूँ मैं ब्रेड को दोनों तरफ से। हमारे सीख चुके हैं, मैंने एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब हम इन्हें पनीर की भुर्जी के साथ सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी पनीर की भुर्जी तैयार है एकदम यूनिक सी और मैंने इसे प्याज के साथ, ब्रेड के साथ और धनिया के साथ जो है गार्निश कर दिया है। और कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।